মন কি বাতের একশো আটতম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রবিবার তার রেডিও অনুষ্ঠান মন কি বাতের একশো আটতম পর্বে দেশবাসীকে নতুন বছরের শুভকামনা জানিয়েছেন শুভকামনা জানিয়ে তিনি বলেন একটি জপমালের একশো আটটি পুঁথির মতো এই পর্বটিও তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনি বলেন ভারত আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এটি উন্নত ভারতের চেতনায় পরিপূর্ণ ভারতে আত্মনির্ভরশীলতার অনুভূতি আছে चौबीस साल एक ही चेतना बजाय मन की बात से प्रधानमंत्री सकुल के धन्यवाद इन एक सौ 108 एपिसोड में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं उनसे प्रेरणा पाई है अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों मन की बात सुनने वाले कई लोगों ने मुझे पत्र लिखकर अपने यादगार पल साझा किए हैं एक करोड़ भारतीयों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धियां हासिल की है इसी साल नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हुआ जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखकर भारत के पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की अनेक लोगों ने मुझे जी समिट की सफलता याद दिलाई साथियों आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है विकसित भारत की भावना से आत्मनिर्भरता की भावना से ओत प्रोत है 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है গত বছরে দেশের খেলোয়াড় ও শিল্পীদের সাফল্যের কথাও তিনি এদিন উল্লেখ করেছেন তিনি বলেন ভারতের সম্ভাবনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং আমাদের এদের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ভারতে যে ইনোভেশন হাব তৈরি হচ্ছে তা থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা থামছি না ভারত কা ইনোভেশন হাব বন্না ইস বাত কা প্রতীক হ্যা কি আম রুকনে ওয়ালে নাহি হ্যা 2015 মে হাম গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স 81वें रैंक पर थे आज हमारी रैंक 40 है इस वर्ष भारत में फाइल होने वाले पेटेंट की संख्या ज्यादा रही जिनमें करीब 60 परसेंट डोमेस्टिक फर्म्स के थे क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार सबसे अधिक संख्या में भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हुई है अगर इन उपलब्धियों की लिस्ट बनाना शुरू करें तो ये कभी पूरी ही नहीं होगी ये तो सिर्फ एक झलक है भारत का सामर्थ्य कितना प्रभावी है हमें देश की इन सफलताओं से देश के लोगों की इन उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी है गर्व करना है नए संकल्प लेने हैं मैं एक बार फिर आप सबको 2024 की शुभकामनाएं देता हूं Beauty Report R E News